हेलो वेलकम टू केन स्टडीज एन साइंस जो क्लास सिक्स देख रहे थे उसमें आज हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट देखो ये चीज़ें जो क्लास सिक्स है सिक्स सेवन एट इनफैक्ट सिक्स सेवन एट में बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी आपके पास टाइम है तो अभी इस टाइम का उपयोग करो और हर डे आप दो तीन चैप्टर को धीरे धीरे करके चीजों को कवर करो तो कुछ चीजें हम ऑलरेडी एनसीईआरटी के और चीजें कवर कर चुके हैं लेकिन धीरे धीरे हम सिक्स क्लास से लेकर के ट्वेल्थ क्लास तक जो इंपॉर्टेंट होगा वो ग्रेजुअली आपका ये कवर किया जाएगा ये बस कराने का मकसद ये है कि आप इससे कुछ चीजों को ले सको इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट आपका ये चैप्टर इसमें से है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट आपका देखो ये इलेक्ट्रिकल सेल है इलेक्ट्रिकल सेल में ये देखो पॉजिटिव आपका है ये है पॉजिटिव uh, नोड uh, है और ये आपका नेगेटिव नोड है ठीक है तो आपका पॉजिटिव और निगेटिव ये मिलकर के एक चूंकि देखो इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट था तो जब आप इलेक्ट्रिक बल्ब को टॉर्च को या ये जो सेल है तो सेल आप टॉर्च में इस ढंग का या तो यूज करते थे लेकिन अब टॉर्च का उस ढंग का जो डायरेक्ट इस सेल वाला जो टॉर्च है इस टाइप का वो बहुत कम यूज में है लेकिन स्टील आप ये वॉच में यूज करते हो डिफरेंट डिवाइसेस में जैसे माउस जो है या कीबोर्ड है इसमें यूज करते हैं तो देखोगे कि जहाँ पॉजिटिव बनाया हुआ साइन रहता है उसमें पॉजिटिव तो ये एक क्या है इलेक्ट्रिसिटी जब प्रॉपर होता है तो सर्किट में आपका कन्वर्ट होता अब इलेक्ट्रिक जो ये इलेक्ट्रिकल सेल है इलेक्ट्रिक सेल है ये ड्राई सेल इसको बोलते हैं ड्राई सेल और सेल भी इसको बोलते हैं तो या तो ड्राई सेल बोलते हैं या याचे सेल तो इसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है इसी वजह से देखोगे इसमें आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स ये रहता है अमोनियम क्लोराइड uh, और जिंक क्लोराइड आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो उससे और ये आपका एक जो होता है कार्बन इस, ये आ, मेटल आ, बटन लगा हुआ है और इधर मेटल प्लेट लगा हुआ है और एक रॉड होता है कार्बन रॉड ठीक है तो उससे हम यानि कि जो ड्राई सेल है तो आपका सेल क्या करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो ये आपका जो ये इसमें समरी है यही इस चैप्टर का क्रक्स है इसको पढ़ना है तो इलेक्ट्रिकल सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये क्या करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एक डायनमो होता है तो डायनमो क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है तो एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज टू टर्मिनल्स वन इज कॉल्ड पॉजिटिव द अदर इज एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैज फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल तो ये टर्मिनल से ये कनेक्ट रहता अब देखो इलेक्ट्रिकल जो फिलामेंट होता, होता है वो टंगस्टन टंगस्टन का का बना बना होता होता है, है। हुआ एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू इट तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है इससे तब आपका ये जलता है इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ क्लोज सर्किट क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल इलेक्ट्रिक सेल टू दर्मिनल तो वन टर्मिनल से जो अदर में आपका ये पास होता है तो so जब ये चैप्टर आप देखोगे तो इसमें बैटरी आपका जुड़ा हुआ रहेगा ये बैटरी का मान के चलोटिव है और ये आपका जो है निगेटिव है तो इसमें आपको ये सर्किट पूरा करोगे और इसमें मान के चलो आपने एक बल्ब लगाया बल्ब लगाया तो जब सर्किट कम्प्लीट होगा तो वो बल्ब आपका जलेगा स्विच सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट तो जब देखो कंप्लीट सर्किट करेंगे तो बल्ब आपका जलेगा और जब सर्किट ब्रेक होगा यानी स्विच में देखो अप करोगे ऊपर करोगे तो सपोज सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब बल्ब आपका जलेगा और जब सर्किट को डाउन करोगे तो सर्किट ब्रेक होगा तो सर्किट ब्रेक होगा, तो होगा तो बल्ब नहीं जलेगा

सिलिकॉन तो ये सब जो होता है सेमीकंडक्टर भी होता है तो इंसुलेटर जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन देखते हो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है कि आपका जो है माइका अबरक अबरक बीच में लगा हुआ और रहता है एक लेयर अबरक का तो अबरक क्या है माइका जो क्या है वो आपका इंसुलेटर है तो इंसुलेटर है तो इस वजह से जो आपका हैंडल है हैंडल पर करंट भी नहीं आता है और आपका हीट भी नहीं होता है लेकिन जो नीचे का सीट है उसको गर्म होता है वो इलेक्ट्रिक आपका करंट जो जाता है उसके कारण वो हीट होता है और आप आयरन अपना प्रेस ये करते हो तो तीन टाइप के जो भी होते हैं जो भी आपके एलिमेंट्स वगैरह हैं मटेरियल है तो आइदर वो कंडक्टर हो सकता है और या इंसुलेटर हो सकता है या एक तीसरा जो कैटेगरी होता है सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर का मतलब है कि वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो प्रवाहित होता है लेकिन वो कम होता है देखो इंसुलेटर जो होता है उससे नहीं होता है ह्यूमन बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी आपका जो है क्या है वो आपका ये कंडक्टर है ठीक है ह्यूमन बॉडी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है इसी वजह से आपका जो है बिजली का आपको झटका लगता है और आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप उस आ, को को नहीं तो ये हमारा एक तरह से शॉर्ट में जो था वो चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रिक और ये करंट में इतना ही था देखो ग्रेजुअली जब हम आगे के क्लासेस में जाएंगे ये अभी सिक्स वगैरह से समाइम देखो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एकदम बच्चा सा है बट स्टिल कुछ चीजें जो होती है कनेक्ट आप प्रॉपर तरीका से पढ़ोगे तो आप उसको फर्दर कनेक्ट करने में आसान होगा तो आप उस चैप्टर को पूरा ये कंप्लीट करो ओके थैंक यू